हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे स्टेट में दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी शेड्यूल्ड हैं। ईओ का एग्ज़ाम आपका 26 नवंबर को शेड्यूल्ड है, आज से लगभग 6-7 दिन बाद। एंड साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम RO/ARO का आपका 17 दिसंबर 2023 को शेड्यूल्ड है। दोनों ही पेपर्स में कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं एंड आने वाले समय में जो भी 2-3 वीडियोस मेरे द्वारा कंप्यूटर साइंस पर बनाई जाएंगी, अगर आप इन वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो करके जाते हैं एग्जाम में, तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप सही मार्क न कर पाए। ऑलराइट, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा जी जाती है क्वेश्चन के बीच में, उसको भी नोट डाउन कर लें, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप देखेंगे यूकेपीएससी एक सेट पैटर्न पर ही अपने कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछता है। एंड दोज क्वेश्चन आर वेरी बेसिक एंड ईजी। आप अपने नोट्स 1-2 पेपर में ही बना सकते हैं एंड लास्ट डे रिविजन में आपको बहुत आसानी इससे होगी। साथ ही मैं आप सभी लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा दैट हमारा टेलीग्राम चैनल है। द यूज़र नेम फॉर द टेलीग्राम चैनल इज़ UKPSC एग्ज़ाम्स 2023। इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें बिकॉज यहाँ पर टाइमली अपडेट्स मेरे द्वारा दी जाती हैं, जितने भी यूकेपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स हैं। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं दैट एग्जाम में हाई चांसेस हैं पूछे जाने के, बी इट ऑफ एनी टॉपिक, उत्तराखंड जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं दैट देयर आर हाई चांसेस ऑफ दीज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, वह सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो हाल ही में मैं अपने चैनल पर कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एंड हर एक वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो ऑलरेडी मैं 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें, बिकॉज उन्हीं क्वेश्चन में से आपको आपकी आगामी परीक्षाएँ जो भी हैं, बी इट ऑफ ईओ और RO/ARO, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए उन क्वेश्चन में से दिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो देखते हैं पहले प्रश्न को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। लाइन प्रिंटर इज अ प्रिंटर, इम्पैक्ट भी होता है, ड्रम भी होता है, वर्ड प्रिंटर इज नॉट अ प्रिंटर। तो यहाँ पे पूछा था नॉट अ प्रिंटर, आंसर हो जाएगा आपका वर्ड प्रिंटर। ऑल राइट, बट लेट मी टेल यू, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ऑलराइट, तो इनको बोलते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल डेजी व्हील हो गया आपका, ठीक है, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैंने आपको दोनों बता देते हैं कौन से आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं एंड कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये आप जरूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 10101। अब देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन का डेसिमल इक्विवेलेंट आपको बनाना है बाइनरी से, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ी है शायद उनके लिए नया हो, बट आप क्या करेंगे, 2 की पावर हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। जितने भी आपके डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इनको इनके नीचे लिख देंगे, ठीक है। जिन जिन के ऊपर आपको 1 मिलेगा ना, उन सभी को प्लस कर दो। जैसे यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 4 इज़ कितना 16, 2 की पावर 2 इज़ कितना 4 एंड 2 की पावर 0 इज़ कितना 1। तो प्लस कर देंगे इन सभी को हम, आंसर आ जाएगा 16 + 4 + 1 इज़ 21। हैंस योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ 21। तो इस तरीके से आप आपका जो भी बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क, ठीक है। अब कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क सबसे पहले आप देख लें, TCP/IP, दिस इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर योर इंटरनेट एक्सेस। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज नॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क, दिस इज रादर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग योर वेब पेजेस। वेबसाइट बनाने में आपका काम आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP इज अ प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड SMTP इज अगेन अ प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर योर ईमेल फैसिलिटी। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा HTML। HTML की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है एंड द फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन अ कंपाइलर चेक, ठीक है, कंपाइलर कौन कौन से एरर चेक कर सकता है। तो द आंसर टू दिस इज सिंटेक्स एरर विच इज ऑप्शन A। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। written in binary code only. This is your machine language, which is option B. Communication between a computer and a keyboard involves dash transmission. This is simplex transmission. A set of rules that governs data communication is called protocol. Very basic question. Not a type of memory. Cache memory is a memory. RAM is a memory. Random access memory. Cache is not a memory. EEPROM is erasable, programmable, read-only memory. So option C will be the answer to this question. Which of the following protocol is used to transfer email messages from one machine to another? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका अगर आपको फुल फॉर्म ही बताया ना SMTP का, तो आपका आंसर इसी से आ जाता है. द आंसर इज SMTP. ऑल राइट, नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया. द डिले अकरिंग ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ अ स्ट्रीम इज टर्म्ड एज. दिस इज जिटर, विच इज ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एनी एनिमेशन. दिस इज की फ्रेम. मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्किप दिस. Purpose of cache memory is very very important. Minimize memory processor speed mismatch, which is option C. Bus topology is a multi-point connection, which is option A. Correct order of first 4 layers in OSI model from bottom to top. Very very important question. सबसे पहले आपको देखना है OSI model होता क्या है. OSI model जो होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में, उसमें कितनी layers होती हैं आपको पता होना चाहिए. There are 7 layers. ठीक है. बॉटम टू टॉप यहाँ पे पूछा है. पहले मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं आपकी. इसमें जो 7 लेयर्स होती हैं उन सभी के नाम आपको याद करके जाने, एंड दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग ये लेयर्स आपकी डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं एग्जाम में. ऑलराइट, तो सबसे पहले होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर. ऑलराइट, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए लिख भी देता हूँ. द फर्स्ट लेयर इज़ योर एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर के बाद होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर. ठीक है, ए से जैसे ABCD स्टार्ट होती है, याद रख लेना, हमेशा ऊपर होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर. देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन ST सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, 4 तो ये हो गई, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फिर आप आ जाएगी आपकी नेटवर्क लेयर, जिसमें आपका आता है IP एड्रेस. इसमें इसी में आता है आपका IP एड्रेस. देन इज़ योर डेटा लिंक लेयर, एंड देन इज़ योर फिजिकल लेयर. ठीक है, तो ये 7 लेयर मैंने आपको बताती हैं. OSI मॉडल की 7 लेयर होती हैं. एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ST, फिर सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर. जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसी में आपका एक प्रोटोकॉल होता है छुपा हुआ, विच इज़ कॉल्ड TCP/IP प्रोटोकॉल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेट एक्सेस. तो सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर विच हैज़ द IP एड्रेस, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. ऑल राइट, सो दीज आर द 7 लेयर्स. यहाँ पे पूछा गया था फर्स्ट 4 लेयर्स इन OSI मॉडल फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो हम इधर से देख लेते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ. हमको पता है दैट टॉप में कौन सा आएगा या सबसे बॉटम में कौन सी आती है, फिजिकल. तो ये ऑप्शन तो गया, 3 बचे में फिजिकल के ऊपर डेटा लिंक लेयर. ठीक है, तो ये भी गया. फिर उसके ऊपर नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. OSI मॉडल पे क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है, आ सकता है. नेक्स्ट इज ईच प्रोसेस इज असाइंड अ टाइम इंटरवल विच इज कॉल्ड. दिस इज योर टाइम क्वांटम, बट मुझे नहीं लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, सो लेट्स स्किप दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया UKPSC द्वारा. वॉलेटाइल कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी है. देखो, वॉलेटाइल कौन सी होती है, RAM. पूछा था वॉलेटाइल RAM. तो नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, ROM. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इस पर UKPSC क्वेश्चन पूछता है, एंड यू शुड रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ ही 2 और तरीके के मेमोरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं UKPSC द्वारा. व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी में आपका क्या क्या आ जाएगा. प्राइमरी मेमोरी इज़ योर मेन मेमोरी, जिसमें आपका आ जाएगा RAM, ROM. ठीक है, या प्रोम ले लूँगा, EEPROM ले लूँगा, ये भी आपका इसमें आ जाएगा. कैश मेमोरी हो जाएगी, वो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगी. एंड सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या क्या आएगा. सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा आपका मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क विल ऑल्सो कम इन योर सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार UKPSC द्वारा, दैट हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी. इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में आपका आ जाता है RAM, ROM, इस तरीके की मेमोरीज, एंड देन सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएंगे आपकी परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरीज, विच इज़ हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप. ये सब सेकेंडरी मेमोरी के आपके एग्जाम्पल्स हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आयोग द्वारा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज रीप्रोग्राम्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. दिस इज EEPROM. दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, विच इज ऑप्शन सी. MAC address is 48 bits long. The process of dealing with dedicated input-output devices is called spooling, which is option B. In OSI network architecture, which of the following performs routing? Very, very important. Routing कौन सी लेयर परफॉर्म करती है? This is network layer. Primary key in a database का क्या पर्पज़ होता है? To identify a record with unique key. इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं. Next is which of the following is exclusively a sequential access storage device. दिस इज मैग्नेटिक टेप विच इज ऑप्शन ए 8 किलोबाइट्स. अब आपको पता होना चाहिए 1 किलोबाइट कितनी होती है 1024 बाइट्स. तो 8 कितनी हो जाएगी 8 × 1024. आपका इसका मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 8192 which is option D. Alright. Temporary storage area that compensates for differences in data rate and data flow between devices known as buffer which is option D. FTP file transfer protocol which is option D. RGB colors होते हैं यहाँ पे monitor में which is red, green and blue which is option A. अब यहाँ पे एक SQL कमांड पे क्वेश्चन पूछा गया है. इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे बिकॉज इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे स्पेशली व्हेन जीएस का पेपर हो. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉग इन टू इंटरनेट. दिस इज टेलनेट विच इज ऑप्शन सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर. दिस इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. दिस इज योर कंट्रोल यूनिट विच इज ऑप्शन सी. ईच टपल इज डिवाइडेड इंटू फील्ड्स कॉल्ड डैश इन रिलेशनल स्कीमा. The answer is attributes which is option C. Next question is in operating system a process in ready state waits for allocation of which of the following. This is processor which is option B. Next is the chip that contains instruction for starting the computer. Very important question. This is your ROM which is option C. Which of the following is a secondary memory device. मैंने अभी भी आपको बताया था आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी रैम रोम सेकेंडरी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क ये सब. तो आंसर इज मैग्नेटिक डिस्क विच इज ऑप्शन डी. एमपीईजी वीडियो. अब चलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ. थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है नहीं पूछेगा. प्रिंटर इमेज क्वालिटी इज मेजर्ड इन डीपीआई विच इज डॉट्स पर इंच. ऑल राइट. ईच इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट इज एक्सप्रेस्ड इन. दिस इज योर माइक्रो कोड विच इज ऑप्शन ए. द एड्रेस बस कनेक्ट्स ओनली द CPU and RAM. Very important which is option B. यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको एक और चीज़. बस आपकी जो होती है नेटवर्किंग में वो 3 टाइप की बस होती है. क्वेश्चन ऐसे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस इन नेटवर्किंग. एड्रेस बस ठीक है. दूसरी होती है कंट्रोल बस. एड्रेस बस कंट्रोल बस एंड एक और तरीके की आपकी बस होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ योर डेटा बस. तो ये 3 टाइप की आपकी बस होती है. क्वेश्चन ऐसा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस इन कंप्यूटर नेटवर्क. तो जो भी रिमेनिंग आपका होगा वो आपका आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन में. ऑल राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सोर्स प्रोग्राम इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू .exe फाइल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज अगेन कंपाइलर विच इज ऑप्शन ए. स्टोरेज सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर क्रिएटिंग रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज डिजाइंड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स. दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन जो सबसे पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की. अब एक बार मैं 5ों जनरेशन के बारे में आपको बता देता हूँ. फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. अभी यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया था. ऐसी जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे दे यूज्ड ट्रांजिस्टर्स. ऑलराइट. थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे दे यूज्ड व्हाट इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ऑलराइट. इंटीग्रेटेड सर्किट्स and these integrated circuits were built of what? They were built of silicon. तो first vacuum tubes, second आपके transistors, third integrated circuits हो गई. Fourth generation of computers जो था they started using microprocessors. Microprocessors and with which technology? Large scale integrated circuits and VLSI, very large scale integrated circuits. And the 5th generation of computers right now that we are in, this uses AI and ultra large scale integrated circuits. All right. तो these are the 5 generation of computers that you should keep in mind. And इसी पे क्वेश्चन आता है. A video consists of a sequence of, this is your frames which is option A. Moving picture experts group MPEG is used to compress which of the following. This is video. AVI audio video interleave format was developed by Microsoft. All right. Moving on to the next question. Loader is a system software which places .exe file into main memory for execution. अभी मैंने ऊपर बताया था OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स. 7 लेयर्स. देखिए इस पे क्वेश्चन आ गया. BCC की फुल फॉर्म इन ईमेल इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी विच इज ऑप्शन C. अभी SQL पे थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ स्किप कर रहा हूँ. ऑलराइट. अब सीधे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 53 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. सो आंसर यहाँ पे पूछा था Not a type of network, so answer would be WAN, which is VAN. Difference between highest and lowest frequencies of a transmission channel is known as bandwidth, which is option B. Skipping this question. The refresh rate of the monitor is measured in very, very important question. This is hertz. Alright. Size of IPv6. अब देखो दो तरीके के प्रोसेसर्स होते हैं, IPv4 एंड IPv6. V4 की जो कितने बिट्स का होता है, V4 इज 2 to the power 5 32 बिट्स, एंड जो IPv6 इट यूजेस 2 to the power 7 विच इज 128 बिट्स. ऑलराइट, यहाँ पे पूछा था IPv6, दिस इज 128 बिट्स. And the last three questions here are again like not that much important from your examination point of view, but let me tell you किस तरीके के और questions पूछे जाते हैं, especially when it comes to UKPSC exams. Question ऐसा भी कई बार पूछा गया है, for example day पे ही पूछ लेगा. पहले तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? दिस इज December 2nd, ये आपको याद रखना है. ऑल राइट, दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कैनर क्या है आपका, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. ऐसे प्लॉटर क्या है, प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आपको होनी चाहिए. इसके बिसाइड्स कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS, डोमेन नेम सिस्टम. ऑल राइट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, जैसे हम ले लेते हैं ALU, arithmetic and logical unit, which performs arithmetic and logical operations in your central processing unit CPU, which is also known as the brain of the computer. ठीक है, ऐसे ही CPU के दो पार्ट्स होते हैं आपके, ALU which performs arithmetic and logical operations, and एक और पार्ट होता है आपका which is the control unit. And what is the function of this control unit? इस पे भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है. The function of the control unit is that it interprets program instructions and initiates control operations. All right, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ यूज टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. अगर ये कहीं पे वर्ड दिख गया एंड पूछा हुआ है कंट्रोल यूनिट का फंक्शन, तो वो आप उसको टिक कर दें एग्जाम में. ऐसे ही कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है दैट हाफ अ बाइट, और हाफ अ बाइट कितना हो गया, 1/2 of a byte इज व्हाट, 4 bits. 4 bits इक्वल टू 1 nibble. तो पूछा जाता है 1 nibble इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, देन आंसर वुड बी 4 bits. वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का मैंने आपको बता दिया. नॉन वॉलेटाइल जो होती है हमारी मेमोरी, दिस इज रोम. वॉलेटाइल इज नॉन वॉलेटाइल रोम, याद रख लो यार बस, दैट इज़ मोर देन एफिशिएंट. एंड जो रैम हो जाएगी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगी. ऑल राइट, बिसाइड्स दिस क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है दैट फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी थी, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कौन सी थी, दैट वॉज फॉर्ट्रैन. ये याद रखना है, फॉर्ट्रैन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट वॉज फॉर्ट्रैन. ऑल राइट, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ. बिसाइड्स दिस आपको पता होगा किस तरीके के सीक्वेंस में जो प्रोग्रामिंग की बाइट्स होती हैं वो चलती हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट, देन कम्स बाइट, 1 byte equal to 8 bits, देन आता है किलो बाइट, के बी में कितना होता है, 1 KB equal to 1024 bytes, देन आता है मेगा बाइट, 1 MB equal to 1024 KB, देन आता है गीगा बाइट आपका, ठीक है, देन आता है आपका टेरा बाइट. वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके आगे का बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं याद रहता. इसके आगे आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका पीवी यानी कि पेटाबाइट, देन आता है आपका एक्साबाइट, देन आता है आपका जीटाबाइट, एंड देन आता है आपका योटाबाइट. ये याद रखना, आगे की सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, देन पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट. ऑलराइट, सो दिस सीक्वेंस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए. बिसाइड्स दिस कई बार इन्वेंशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ लेगा वर्ल्ड वाइड वेब जैसे है, टिम बर्नर्स-ली का कब ये इसकी स्थापना की गई थी या कब ये फाउंड किया गया था. तो फॉर एग्जांपल दिस वाज फाउंडेड इन 1889 या 1889 या 1990, ऐसा पूछा जाता है. फाउंडर्स पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा आपसे दैट जो आपका कंप्यूटर माउस है, वो कंप्यूटर माउस का किसने फाउंड किया था, तो द माउस वॉज फाउंडेड बाय डगलस एंगलबर्ट. मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो यूकेपीएससी पूछता है. सो दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज आज ये पूछ लेता है दैट ये इन्वेंट किसने किया था, ये डेवलप किसने किया था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट यू नो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन दैट इज जॉन मैकार्थी. ऐसी एक बार पूछा था आपका फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग इज एलन ट्यूरिंग. ऑल राइट, एक बार पूछा था दैट Your first internet network और first computer network was, the answer to that was ARPANET. ये आपको पता होना चाहिए. First computer available for commercial use was UNIVAC. फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज, द मशीन दैट ही इन्वेंटेड वॉज एनालिटिकल इंजन. ऑलराइट, देन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया थे सुपर कंप्यूटर्स पे. तो सुपर कंप्यूटर जो हमारा इंडिया का था फर्स्ट वन, दैट वाज परम 8000 डेवलप्ड बाय सीडैक इन द एयर. इस पे कब काम हो रहा था? 1991 में. एंड फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग किसे बोलते हैं? विजय भटकर को फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली बिकॉज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी हमारा ऑन बोर्ड है एंड बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं. बिसाइड्स दिस आपके क्वेश्चन ये पूछता है आपका, फॉर एग्जाम्पल इट विल आस्क दैट वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्राम, जो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम था, इट वॉज रिटन बाय होम. तो इट वॉज रिटन बाय एडा लवलेस. ऑलराइट, ये नाम याद रखना, एग्जैक्टली क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है. नाउ कई बार ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर सर्च इंजन. तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, इफ़ वी टॉक अबाउट गूगल एंड इफ़ वी टॉक अबाउट क्रोम. तो जो गूगल है ना, गूगल इज़ अ सर्च इंजन वेर एज क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र. ठीक है, ये डिफरेंस भी इन दोनों में याद रखना. क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कई बार. नाउ यू शुड रिमेंबर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एक बार पूछा गया था वो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग. हाँ, कंप्यूटर के पेपर में, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, यानी कि साइंस पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था DNA फिंगर प्रिंटिंग का. द आंसर वाज एलेक्स जेफरी. ऑलराइट, सो दिस वाज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. एंड वेरियस टोपोलॉजीज हमारी होती हैं नेटवर्किंग में, वेरियस टोपोलॉजीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ऐसा पूछ लेते हैं. तो कौन कौन सी टोपोलॉजी हमारी होती हैं? रिंग, स्टार, बस, ट्री, मैश, hybrid. So these are the kind of topologies that we have. Alright. Besides that, मैंने आपको बता दिया first internet service began in India in which year? ये याद रखना एक question. First internet service in India, it began in the year 1995 and it was by VSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited. Alright. सो इन दिस वीडियो आपके साथ मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के डिस्कस करें एंड आपको यह भी बताया दैट किस पैटर्न पर यूकेपीएससी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस जनरली पूछता है. आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कहीं ना कुछ आइडिया लगा होगा दैट किस तरीके के क्वेश्चंस कंप्यूटर से स्पेशली यूकेपीएससी के पेपर्स में पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. होप यू लाइक द वीडियो. आने वाले समय में 1 से 2 वीडियो और बनाऊंगा कंप्यूटर के MCQs को लेके. एंड अगर आप ये वीडियो सारी देख लेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आगामी आपके RO/ARO एंड EO की वैकेंसीज़ में, आप उनको सही करके मैक्सिमम स्कोर अपने फाइनल डे एग्जाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे. ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग एंड हैप्पी लर्निंग.